सो हाय एवरीवन, टुडे इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ड्राइंग। तो आज हम इसका करेंगे शेडिंग पार्ट। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ग्रेफाइट पेंसिल एंड चारकोल पेंसिल, दो इरेजर एंड ब्लेंडिंग स्टम्प, एक स्मॉल ब्रश, एक फ्लैट ब्रश एंड एक स्मॉल टिप ब्रश हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। हमें चाहिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल एंड हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ब्रुस्टो का नीडेड इरेजर। तो सबसे पहले जो भी हमने ग्रिड लाइंस बनाई थी उसको हमें इरेज कर लेना है एंड देन हम स्टार्ट करेंगे आई से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मैं हर एक ड्राइंग आई से ही स्टार्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं पेंसिल आपको शार्प रखना है एंड शार्प करके आपको ऐसे ऐसे स्ट्रोक लगाना है। बहुत ज़्यादा डार्क करके अप्लाई मत करना आईब्रोज़ में, थोड़ा सा लाइट प्रेशर से ही आपको अप्लाई करना है। एंड आई में आप देख सकते हैं मैं थोड़ी थोड़ी करके मैं डार्कनेस बढ़ा रही हूँ एंड दूसरी आई की तरफ बढ़ते हुए हम स्टार्ट कर देंगे आई लैशेस को ड्राइंग करना एंड आईब्रोज़ को ड्रॉ करना। तो शेडिंग कर लेने के बाद हम करेंगे इसको ब्लेंड अच्छे से एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी स्मॉल मेकअप ब्रश। बस आपको ब्लेंडिंग बहुत ही स्मूथ तरीके से करना है, ज़्यादा रगड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर चारकोल स्टिक का यूज़ कर रही हूँ, इसका पाउडर फॉर्म हमें लेना है। अगर आपको नहीं पता कि होममेड चारकोल पाउडर कैसे बनाना है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको ज़रूर चेक कर लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। एंड गाइज, आर्ट कॉम्पिटिशन बहुत जल्दी आने वाला है, थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से ये आर्ट कॉम्पिटिशन थोड़ा सा डिले हो रहा है अपडेट देने में, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ आपको रेफरेंस पिक्चर यही रहेगा, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देख लेना एक बार। अभी के लिए आप सिर्फ वीडियो को देख लेना क्योंकि अभी मैंने मीडियम चूज़ नहीं किया है। तो डोंट स्टार्ट दिस ड्राइंग एंड एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं बहुत जल्दी अपडेट दे दूंगी आप लोगों को, सो स्टे कनेक्टेड फॉर दिस। एंड इस रेफरेंस पिक्चर को डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कोहिनूर का पेंसिल इरेजर एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रेफाइट पेंसिल एंड इसके साथ मैं शेड कर लूँगी एंड जहाँ पर भी हमें हाइलाइट्स या फिर लाइट पोर्शन दिख रहे हैं उस जगह को मैं छोड़कर शेडिंग करूँगी। आप लोग ध्यान से देखना मैं किस तरीके से शेडिंग को कर रही हूँ एंड आप चाहे तो इस वीडियो का जो स्पीड है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने यूट्यूब पर जाके ही। तो अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप इसको स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर मैं एक कोर्स भी लॉन्च करने वाली हूँ जिसमें आपको ए टू जेड शेडिंग की नॉलेज दिया जाएगा एंड जो लोग ऑयल पेस्टल में काम करते हो तो उनके लिए भी मैं कुछ सोच रही हूँ, उनके लिए भी मैं एक कोर्स लाऊँगी, वो होगा कम्प्लीटली ऑयल पेस्टल बेस्ड। तो एक होगा शेडिंग के ऊपर यानी कि स्केचिंग के ऊपर एंड एक होगा ऑयल पेस्टल के ऊपर, उसके ऊपर काम चल रहा है एंड वो ज़रूर से नेक्स्ट ईयर मैं लॉन्च कर दूंगी। तो अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके चारकोल पाउडर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना ऊपर के फोरहेड में आपको शैडो नज़र आ रहा है शायद, तो इस शैडो को बनाने के लिए मैं यहाँ पर चारकोल पाउडर का यूज़ करूँगी ग्रेफाइट के ऊपर। एंड आपको ये ध्यान में देखना है कि पूरा फोरहेड में आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ जहाँ पर भी शैडो एरिया है आपको बस वहाँ पर ही इसको अप्लाई करना है, अदरवाइज़ फेस की जो शैडो इफ़ेक्ट है वो नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान से एंड केयरफुली ड्रॉ करना है गाइस। तो यहाँ पर जो भी छोटे मोटे डिटेल्स है फेस में मैं उसको पेंसिल इरेजर की मदद से मैं दे रही हूँ, तो बस आप ध्यान से देखना मैं कैसे किसको अप्लाई कर रही हूँ। मैंने सारे टूल्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है एंड अब आप देखो मैं फेस की जो फोरहेड की जो शेडिंग है वो मैं कैसे कर रही हूँ, आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। जहाँ पर भी लाइट पोर्शन है उस जगह को आपको स्किप कर देना है, रिमेंबर इट, आपको उस जगह को स्किप कर देना है, आपको वहाँ पर कोई भी पेंसिल कोई भी चारकोल का इस्तेमाल नहीं करना है।
एंड सारा कुछ बन जाने के बाद आपको बड़े ही लाइट प्रेशर से आपको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है एक्स्ट्रा चारकोल को। एंड अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी इंटेंटिंग टेक्निक। इसके लिए मैं इस वाले टूल का यूज़ करूँगी जो कि मंडला आर्ट में यूज़ होता है। आपको बस यहाँ पर छोटे वाले साइड को लेकर ऐसे करके आपको डायरेक्शन में, हेयर के डायरेक्शन में आपको प्रेस करते जाना है एंड इंटेंटिंग वहाँ पर हो जाएगी। चारकोल की ड्राइंग में आप जितना पाउडर का इस्तेमाल करोगे उतनी ही आपकी स्किन में सॉफ्टनेस आएगी। तो जो लोग पेंसिल का इस्तेमाल करते हो तो पेंसिल का इस्तेमाल मत करना डायरेक्टली, आपको उसको डस्ट बनाना है, उसको चारकोल पाउडर में कन्वर्ट करना है एंड देन आपको उसको ब्रश से ऐसे ऐसे करके आपको स्प्रेड करना है एंड स्किन में शेडिंग करना है। एंड अब यहाँ पर हम बियर्ड को शेड कर लेंगे एंड लिप्स को भी शेड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि मैं कैसे कर रही हूँ, बस आपको हेयर के डायरेक्शन को देखना है, उसी तरीके से आपको शेड करते जाना है। पेंसिल की स्ट्रोक आपको उसी तरफ लगाना है जहाँ पर बियर्ड है एक्चुअली। एक बार ब्लेंड हो जाने के बाद आपको दूसरी बार ब्लेंड करना है विद चारकोल पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके आपको चारकोल पाउडर का इस्तेमाल करना है एंड आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट रिजल्ट आ रहा है। एंड अब आपको फाइनल टच देना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पेंसिल इरेजर। आप यहाँ पर टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं एंड जहाँ पर भी आपने इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ किया है उसके ऊपर आपको पेंसिल इरेजर का इस्तेमाल करना है एंड ऐसे ऐसे करके आपकी जो हाइलाइट्स है बियर्ड में वो ईजीली क्रिएट हो जाएगी एंड दिखने में भी वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही दिखाना था आपको इस वीडियो में। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम एक्स्ट्रा जो भी पार्ट बच गया है ड्राइंग में तो वो हम आपको शेड करके दिखाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाता। सो आई होप गाइज यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। एंड अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये ड्राइंग एंड आर्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So I hope guys you enjoyed this video. So see you soon in the next part. Bye.